प्रशासन को कहते हैं जिले के देखो किराएदार रखो बड़ा सोच समझ नहीं दोनों घटना होगी ना तो साले तुम भी परेशान हो। और उसका यहाँ लेडीज रहती है सिंगल और इसमें रहती थी दो लेडीज एक हफ्ते भर से छुट्टी में गई आई नहीं है दो ही नहीं चली गई। हेलो पता है बताते हैं कि बीमारी क्योंकि मैं सांस की कोई समस्या थी सांस की पास काफी कितनी 40,000 महिलाएं इतनी दुष्ट हैं कि आई नहीं पिताजी मैंने फोन किया पिताजी बोले कि हाँ मेरी लड़की चार बजे फोन आया था मगर हमने फिर स्टाफ आया 12 बजे स्टाफ ग्यारह फोन हो चुका आया रोटी पूछा क्या बनता है बता हमारे लोगों को फोन की दवाई इधर जो भी दवाई हो मेरी बात की मदद कर दी इतना बात बस हमको पता है। टांगने में तो इस तरह से लुड़ने नहीं चला जाएगा तो चलो ऊपर चलो पकड़ चलो तुम ऊपर चलो थोड़ा सा हाथ लगाओ नवाब अंदर अंदर दोनों हाथ पकड़ के लगाओ। अरे हिचो यहाँ पे किराए पे रहती थी और डीआरएम ऑफिस में जॉब करती थी प्यून पे तो डेली आती रहती थी। तो फिर सुबह मैंने देखा 9 बजे की कोई गाना नहीं कोई हलचल नहीं हुई। फिर 12 बजे देखा फिर कोई हलचल नहीं हुई तो देखा कि इसमें पड़ी हुई थी तो मैंने इनके परिवार को और निगर थाना में इन्फॉर्मेशन देके बुला के इनको बाकी टीमों के साथ जांच करने के लिए दे दिया। कितनी उम्र थी इनकी लगभग? वही 32-33 साल थी। क्या वजह हुआ इनकी मौत की? कुछ चक्कर इनकी ये सांस की शायद फुमले बीमारी की इनहेलर इनके बाद 10-20 रखा है और इन्होंने अपने पिताजी को भोर में 4 बजे और अपने विभाग रेलवे में भी 5 बजे भोर में फ़ोन किया था कि मुझको दिक्कत है मुझको दवाई दीजिए और कोई आ नहीं पाया इस कारण उनकी वो हो गई। कितने सालों से यहाँ पर है? ये अभी 1.5 महीना।